नमस्कार बच्चों, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो है वो लेक्चर 6 है। इससे पहले जो हम कर चुके हैं वो करैक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट क्लास इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये जो टॉपिक है आप देख रहे हैं डायनेमिक बाइंडिंग और मैसिव पासिंग, इसके बारे में इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये दोनों के दोनों टॉपिक कोरिलेटेड है इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म से। यदि इनहेरिटेंस को हम याद करें तो इनहेरिटेंस है क्या है? इनहेरिटेंस इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप इन विच वी इनहेरिट द प्रॉपर्टीज। द वन क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास, जिसको हम ड्राइव्ड क्लास कहते हैं, बेस क्लास कहते हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? मैनी फॉर्म्स, एक ही आपके पास नेम है और उससे आप मल्टीपल काम ले रहे हो। तो यहां पर इस चीज को अंडरस्टैंड करिए क्या है कि हमारे पास डायनेमिक बाइंडिंग और मैसेज पासिंग इससे कोरिलेटेड है। डायनेमिक बाइंडिंग जो है वो बाइंडिंग का एक टाइप है। अब बाइंडिंग को अंडरस्टैंड करिए क्या है, तो बाइंडिंग में जब हम प्रोसीजर कॉल करते हैं और उस वक्त जो कोड अटैच होता है दैट इज कॉल्ड ए बाइंडिंग। क्योंकि हम यदि हम इसकी बात करें, देखो इट इज ए शेप, शेप इज ए क्लास और इसके ऑब्जेक्ट कौन से हैं? सर्कल इसका एक ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगल इसका एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें मेरे को एक चीज और आ रही है कि जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बीच में स्टूडेंट पूछते हैं कि ये क्या है, जब स्टूडेंट को हम देखते हैं उसको क्या है, पर इस ऑनलाइन सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। हम बता रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसके बाद आप वीडियो देखोगे। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आपको पता है ये वीडियो है, आप यूट्यूब पे देख रहे हो, मेरे चैनल पे देख रहे हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि यदि आपको कोई क्वेश्चन है। पीछे जैसे कुछ वीडियोस में बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे, वो सेपरेट क्वेश्चन पूछे, तो इस वीडियो में आप इसको आप कर लीजिए। और एक बात और, क्योंकि ये YouTube पर है तो YouTube के ना कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, कितने व्यूज हुए हैं, कितने मिनट के लिए कोई वीडियो देख रहा है, तो इस चीजों को आप ध्यान रखिए। आप स्टूडेंट हो तो आप कमेंट लाइक शेयर ऐसे करते रहिए। नो कम बैक टू द लेक्चर, हम बात करते हैं। तो ये एक क्लास है, इसके ये ऑब्जेक्ट है, और जब ये ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट किसके लिए है? रेक्टेंगल के लिए। रेक्टेंगल का मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। तो जब इसको कॉल करेगा और इसका कोड यूज होगा, रेक्टेंगल के लिए यूज होगा, तब जब कोड मैच होगा उसको कहते हैं बाइंडिंग। अब ये बाइंडिंग दो तरह की है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वन इज द कंपाइल टाइम एंड अनदर वन इज द रन टाइम, ये पहले कर चुके हैं हम ऑलरेडी। इसको कहते हैं हम स्टैटिक बाइंडिंग, इसको कहते हैं हम डायनेमिक बाइंडिंग। तो इसका एक और नाम भी है, इस डायनेमिक बाइंडिंग को रन टाइम भी कहते हैं और इसको हम लेट बाइंडिंग भी कहते हैं और इसको अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं, जो कंपाइल टाइम पे होती है। तो ऑब्वियसली जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स में आप देख सकते हो, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वर्चुअल फंक्शंस। तो हम जब बात कर रहे हैं डायनेमिक बाइंडिंग की, तो ये कॉन्सेप्ट किसके साथ चलता है? वर्चुअल फंक्शन के साथ चलता है। एक ऐसा फंक्शन जो कि बेस क्लास में भी है और ड्राइव क्लास में भी है, सेम नेम से। तो उस तरीके से इसको हम यूज करते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग का मतलब क्या है? जो रन टाइम पे हो रही है, और जो लेट बाइंडिंग भी उसको कहते हैं हम, जो कोड यूज हो रहा है रन टाइम। अब अंडरस्टैंड करिए मैसेज पासिंग को। तो मैसेज पासिंग में देखिए क्या है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसको कहते हैं मैसेज पासिंग। फॉर एग्जांपल देखिए, एक सर्कल है, मैंने C1 एक ऑब्जेक्ट है, एरिया उसका फंक्शन है और 10 उसकी रेडियस है। तो जनरल वे में अंडरस्टैंड करना, तो यहां से कर सकते हैं आप कि ऑब्जेक्ट किसी क्लास का है, उसके बाद उसका फंक्शन है और ये इंफॉर्मेशन है। तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड द मैसेज, जो कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पास आउट करता है। और थोड़ा सा और रिमाइंड करते हैं, हमारे पास कॉन्सेप्ट है क्लास का,
क्लास के बनते हैं ऑब्जेक्ट, उसका एक ऑब्जेक्ट बना, दो ऑब्जेक्ट बना, तीन ऑब्जेक्ट बने, वो तीनों ऑब्जेक्ट आपस में इंफॉर्मेशन कैसे शेयर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ए मैसेज पासिंग। एक और डायग्राम के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, ये इसको कैसे इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये इसको कैसे इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऊप्स के कंसेप्ट में इसको कहते हैं मैसेज पासिंग। सिंपल सा यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं क्या है कि कोई एक क्लास है उसके ऑब्जेक्ट सी वन है, सी टू ऑब्जेक्ट है और सर्कल से रिलेटेड, तो इसका कोई एरिया है रेडियस कितनी पास की है 10, इसका कुछ एरिया है रेडियस कितनी है 5। अब हम चाहते हैं कि टोटल एरिया निकालो, आपको अच्छे से पता बच्चों कि जो बाइनरी अर्थमेटिक है प्लस ऑपरेटर जो है एडिशन का, वो सिर्फ नंबर्स को ऐड करता है, यदि हमने इससे और कुछ ऐड करवाना है, ऑब्जेक्ट्स को ऐड करवाना है, तो उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं उसको, हम उसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। तो उसकी हेल्प से हमने इसको कर दिया। अब बताओ इसमें मैसेज पासिंग कहां हुआ, हमें पता है कि जब भी एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं प्रोग्रामिंग में तो राइट हैंड साइड वाली पहले सॉल्व होती है और उसकी जो एडिशन होती है वो किसमें जाती है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसकी जो वैल्यू हुई और पास किसको हुई, C1 को पास हुई, दोनों ऐड हुए, वो स्टोर किसमें हुआ, C3 में स्टोर हुआ। दिस थिंग इज कॉल्ड ए मैसेज पासिंग। तो मैसेज मतलब एक पूरे ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट एक से दूसरे को पास कर रहा है, तीसरे को पास कर रहा है, एंड कोरिलेशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम एम्प्लॉय की एग्जांपल ले लेते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी है, अब एक एम्प्लॉय की सैलरी है, दूसरे एम्प्लॉय की सैलरी है, तीसरे एम्प्लॉय की सैलरी है, सभी की है, ओके तो टोटल कितनी हुई। ऐसे ही डे टू डे लाइफ में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि हम यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को मैसेज पासिंग वाले को, और दूसरा हम बात करते हैं डायनेमिक बाइंडिंग वाले कॉन्सेप्ट को। ये स्टैंड अलोन कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोरिलेटेड है किसके, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के। सबसे पहले इनहेरिटेंस होती है, इनहेरिटेंस में फर्दर ड्राइव्ड क्लास होती है, और ड्राइव्ड क्लास में सेम फंक्शन यूज होते हैं, जब उस कॉन्सेप्ट को कह देते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, थैंक यू।